हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आपका एनालिसिस यानी विश्लेषण करते हैं जो आज का पेपर 504 का था। फ्रेंड्स, हमारे पास सेट ए अवेलेबल है। ये भी मैं बता दूं कि ये जो पेपर है ये उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का है, क्योंकि हो सकता है पिछली बार ऐसा हुआ था कि स्टेट बाय स्टेट जो पेपर थे वो डिवाइड थे, अलग थे, और जो पेपर के कंटेंट थे वो अलग रखे गए थे। इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये पेपर उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का सेट ए है। और हमने जो आपको बताया था उसमें से पासिंग मार्क तो छोड़िए, बहुत अच्छे आप मार्क्स ला लिए होंगे यदि सेट ए आपको मिला है, वही क्वेश्चन आपको मिले होंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं, पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। हमारे पास ये जो पेपर अवेलेबल है ये आप देख ही रहे हैं, ये सेट ए है आपका, और इसमें जो इंस्ट्रक्शन फर्स्ट में होते हैं वही चीजें इसमें दी गई हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। और आगे बढ़ने पे भी आप देख रहे हैं इसमें प्रश्न पत्र 18 है जो तीन भागों में, भाग एक, भाग दो और भाग तीन में विभाजित है। प्रश्न पत्र के भाग एक में 10 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों के लिए उपलब्ध 4 जो विकल्प हैं उनमें से एक आपको चुनना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। ठीक है, पार्ट जो 2 है एंड 2 है, भाग 2 में 6 लघु उत्तरी प्रश्न हैं, इनमें से आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। और पार्ट जो 3 है इसमें 2 प्रश्न आपको करने थे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में आपको जो है वो ऑप्शन दिया गया है। मैं पेपर को ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, पेपर जिन्होंने मुझे सेंड किया है उतना क्लियरली नहीं है इसलिए। तो देखिए, पहला इसमें जो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का अनुदेशात्मक उद्देश्य है, और ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही ऑनलाइन प्रिपरेशन ने आपको बताया है, MCQ में था ही ये। और दूसरा, एक संयुक्त संख्या में होते हैं, इनका एनालिसिस, इनके जो आंसर है वो मैं बाद में लेके आऊँगी। मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस हैं आपके बहुत इजी आए थे और कुछ टफ हो सकते हैं लोगों के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि MCQ में आपके मैथ के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जो जिन लोगों की मैथ अच्छी नहीं है थ्योरी में पूछा जाएगा तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, और जो थ्योरी में यदि पूछा जाएगा तो उसमें अथवा के ऑप्शन में एक आपका मैथ का यानी कि बीट फार्मूले के साथ जो हल करने होते हैं, दूसरा आपका थ्योरी का रहेगा, और सेम वैसा ही हुआ है। तो ये आप क्वेश्चंस देख ही रहे हैं, आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, बिल मैं आप लोगों को बाद में रिप्लाई देती हूँ, मैं चाह रही हूँ कि पहले वीडियो बना के आप तक मैं पहुँचा दूँ। और फ्रेंड्स, मुझे रियली बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है आपके उम्मीदों पे खरा उतरा है, और क्योंकि सेट ए की बात चल रही है, अभी सेट और बी और सी हम तक नहीं पहुंचे हैं, उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं ये देखना पड़ेगा अभी। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं, MCQ चल रहे हैं। अब अगर हम आते हैं क्वेश्चंस पे, तो पार्ट जो सेकंड आपका है 6 क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन ही है कि नियमित तर्क का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या होती है, और ये फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका ऑनलाइन प्रिपरेशन का है। इसी तरह गणितीय आगमन का उपयोग करते हुए प्रदर्शित कीजिए कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 होता है। गणितीय आगमन का उपयोग करना था, 180 अंश के कोण को आपको बताना था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसमें थ्योरी और जो फार्मूले होते हैं वो इसमें मिक्स है। ओके, यानी एक क्वेश्चन आपने डन कर लिया। यदि आपसे सेकंड नहीं आता है तो पहला क्वेश्चन आपने थ्योरी कर लिया। मैंने पहले भी कहा था कि आप अपनी जो थ्योरी है वो कंप्लीट कर लीजिए, मैथ पे आप ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। औपचारिक गणित संसार के प्रति बच्चों को परिचित कराने के लिए मानव सूचना प्रसंस्करण प्रणाली को 3 मुख्य विशेषताएं लिखना है जिनका संबंध प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। प्रत्येक का संक्षिप्त ब्यौरा दीजिए, 3 मुख्य जो विशेषताएं होती हैं, यानी कि बच्चे गणित किस तरह से सीखते हैं। गणित संसार के प्रति बच्चों को परिचित कराने के लिए बच्चे गणित किस तरह से सीखते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस करना था। लेकिन फिर भी यदि आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि पहले ही कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा, फिर लिखना शुरू करिएगा। बिल दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। गणितीय संरचनाओं का अध्ययन है, इस कथन की उपयुक्त व्याख्या कीजिए। ये भी यानी 3 क्वेश्चन अभी आपको मिल चुके हैं जो हमने अपने वीडियो में आपको अवेलेबल करवाए थे। आगे आ जाते हैं। निम्न कोणों की जोड़ियों को उदाहरण से समझाइए। ये क्वेश्चन जरूर हमने आपको नहीं अवेलेबल करवाया था कि जो जोड़े हैं उनको उदाहरण से ही समझाना है, लेकिन हाँ मैं ये बता दूं कि कोण क्या कहलाते हैं। ज्यामितीय आकृति यदि आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने इनको एक्सप्लेन किया था।
अब दूसरा देख लेते हैं कि दो सम वृत्ति मिलाइए जो 33 सेंटर। ये देखिए आपका जो है, ये क्वेश्चंस जो है ये आपका फार्मूले से लिया गया है। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं और आगे अभी आपका पेपर देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चंस है इसमें कि एक मोबाइल फोन का देखिए दो संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। बिल्कुल, हमने परिमेय संख्या बताया था आपको किस तरह से आपको करना है, और ये हमने बोर्ड पे भी आपको वीडियो बना के समझाया था। तो ये भी क्वेश्चन ऑनलाइन प्रिपरेशन का है फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन है ये आपका लाभ हानि का है। मैंने स्पेशल वीडियो आपके लिए इसका नहीं बनाया था, लेकिन मेरा जो ओल्ड वीडियो है लाभ हानि का, मैंने उसे कमिटी में जरूर शेयर किया था ताकि आप देख लें। और ये इजी, बहुत इजी ट्रिक से मैंने बताया था, तो आई थिंक आपने देखा ही होगा। तो इस तरह से अगर इसको भी नहीं किया तो उसके ऊपर वाला जो ऑप्शन में है उसको आपने कर ही लिया होगा। क्वेश्चन लेते हैं, गणित अधिगम से संबंधित सामाजिक व्यक्तिगत गुण कौन से हैं? सामाजिक व्यक्तिगत गुणों के आकलन की विधियां बताइए, या फिर गणित के अधिगम में पारंपरिक आकलन की शिक्षार्थी केंद्रित आकलन के बीच कोई तीन अंतर कीजिए। बिल्कुल, ये दोनों वीडियोज अवेलेबल है। आपने देखा या नहीं देखा ये मुझे इसका नॉलेज नहीं है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के पदों में से प्रत्येक के कोई दो पद लिखिए। ज्ञान आधारित पद, समझ आधारित पद, अनुप्रयोग आधारित पद। ये जो टिप्पणियों वाला एक मेरा वीडियो बना है उसमें आप जरूर देख लीजिएगा, ये पद आपको तीनों मिल जाएंगे। मेरा एक जो वीडियो बना हुआ है टिप्पणियां लिखिए संक्षिप्त में 505 का है और आपका मैथ का भी है। प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर गणित सीखने की जाने वाली अधिकांश त्रुटियां बच्चे कौन कौन से करते हैं? और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ मुझे समझाने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें पांच त्रुटियां होती हैं जिसको CRM करके है, यानी कि लिखने में है ना, पढ़ने में, रीडिंग में, राइटिंग में, इस तरह के डिक्टेशन में बच्चे गलतियां करते हैं। तो इसका ये क्वेश्चन हो गया और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है पार्ट थ्री में देख लेते हैं आपका, प्रारंभिक स्तर से अपनी रुचि का एक गणित में से चुनिए, एक पार्ट चुनना है, और आपको परियोजना विधि से कैसे पढ़ाएंगे, ये क्वेश्चन भी है कि परियोजना विधि का निर्माण आप कैसे करेंगे, अथवा आनंददायक गणित अधिगम के कोई पांच उदाहरण दीजिए, ये भी वीडियो अवेलेबल है इसका। गृह कार्य करने में विद्यार्थियों को कितना समय व्यतीत करना चाहिए? किस प्रकार के गृह आइटम सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? अथवा मुक्त मुक्त और बंद पद, इसका तो अलग ही वीडियो मैंने बनाया था, आपने देखा या नहीं ये मुझे नहीं पता। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका इसका पेपर था, तो अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो पासिंग मार्क ही नहीं, बहुत अच्छे इसमें मार्क्स आप ला सकते हैं यदि आपने वाच किया, पढ़ा है। यदि फिर भी आपने, बहुत सारे आप चैनल्स देखते हैं तो कभी कभी सबका समझाने का तरीका अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है, आंसर्स भी कभी कभी थोड़े अलग हो जाते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, फिर भी आप पासिंग मार्क्स पा जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था, और सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि जो आपको सेट ए मिला है, मैं अभी ए की बात कर रही हूँ, बी और सी हम तक अभी पहुँचे नहीं है, अगर वो पहुँच जाएंगे तो मैं उसको भी देख लूँगी, आप तक पहुँचाऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जो आपके लिए मेहनत की वो मेहनत सक्सेस हुई, सफल हुई, साकार हुई। वन वीक तो आप अभी रेस्ट कर लीजिए, कुछ टाइम रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए रेस्ट भी जरूरी है। देन इसके बाद हम आपके लिए आपके नेक्स्ट जो एग्जाम्स फोर थ्योरी होनी है उनके वीडियोस लेके आएंगे। तो आप अब आलस मत करिएगा, अगर आपको डीएलएड में अच्छे परसेंटेज लेके आने हैं तो फोर जो आगे की थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी है, उनमें अच्छे मार्क्स आप खींच दीजिए तो आपका अच्छा परसेंटेज डीएलएड में बन जाएगा। किसी भी एग्जाम को, मूल मंत्र है, किसी भी एग्जाम को पास करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसमें परसेंटेज बनाना, परसेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है। उस मुश्किल को आपको आसान करना है, यानी डीएलएड में आपको परसेंट बनाने हैं, कि कभी आगे चल के अगर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट है कोई भी रूल्स नियम बना सकती है कि जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनको रेगुलर किया जाएगा, लेकिन जो डीएलएड जिन्होंने किया है उनकी मेरिट लिस्ट के बेस पे किया जाएगा, तब आपके लिए प्रॉब्लम जा सकती है। सो प्लीज आप मेहनत करिए, और आपके साथ हम मेहनत कर ही रहे हैं, आपके लिए लगे ही हुए हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।